हिस्ट्री ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू। पेपर वन एंशिएंट मिडिवल होता है और पेपर टू जो है मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। सो व्हाट वी सी दैट दिस इज दिस टॉपिक दैट इज द डीकोलोनाइजेशन एंड द लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट आई विल मेक अ सीरीज ऑफ 4 to 5 वीडियोस ऑन दिस टॉपिक ऑफ डीकोलोनाइजेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर टू। अब जानते हैं कि सिलेबस में हिस्ट्री ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू। पेपर वन एंशिएंट मिडिवल होता है और पेपर टू जो है मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। सो व्हाट वी सी दैट दिस इज दिस टॉपिक दैट इज द डीकोलोनाइजेशन एंड द लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल। It is the last chapter of the World History Optional paper, okay? And in this paper, in the last video, we have discussed that what is decolonization, what is the major factors that led to the process of decolonization. हमने last video में ये समझा था that there is a historian called Stephen Jay Lee, वो अपने book में लिखते हैं कि तीन ऐसे factors है that are the main important thing behind the decolonization process. पहला सेल्फ स्ट्रगल इन देयर इंडिजिनस कंट्री, मतलब किसी भी देश में अपनी लड़ाई लड़ी गई थी, सेल्फ स्ट्रगल हुआ था। इंडिया में महात्मा गांधी, INC एंड अदर पीपल, अफ्रीका में देन वी हैव अदर कंट्रीज वेयर सो मेनी बैटल्स हैव बीन फाउट बाय द लोकल पीपल। सेकेंड, प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। फर्स्ट था यूनाइटेड नेशन का प्रेशर था, एंड थर्ड प्रेशर फ्रॉम द सुपर पावर दैट इज USA एंड USSR। ये हमने कल लास्ट टाइम पढ़ा था। हमने ये भी देखा कि दूसरे कंट्रीज में किस तरह से डिकोलोनाइजेशन हुआ। वी सी दैट वी हैव टू डू दिस थीम्स इन दिस चैप्टर, डिकोलोनाइजेशन, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड अरब नेशनलिज्म। ओके, सो टूडे पार्टिकुलरली वी विल डिस्कस दिस थीम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक है डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका। तो इसको हम शॉर्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। सो व्हेन वी सी दिस इज अ मैप ऑफ अफ्रीका, यू कैन सी दैट दिस इज अ मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म जो है सबसे लेट पहुंचा स्टूडेंट, है ना। जैसे आप जानते हैं इंडिया में कॉलोनियलिज्म कब आया, 16th सेंचुरी के आसपास कॉलोनियल कंट्री केम इनटू इंडिया, 5 कंट्रीज इंडिया में आए थे। बट वेयर इन केस ऑफ अफ्रीका दिस कॉलोनियल पावर रिच अफ्रीका वेरी लेट, पहुँच तो पहले गए थे बट अफ्रीका की रिसोर्सेज की जरूरत उनको बेसिकली 1860s के बाद पड़ती है। सो दिस पीपल वेंट टू अफ्रीका, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्टुगीज, दिस ऑल कंट्री रिच अफ्रीका स्पेशली इन द 1860s। और अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस बाय द टाइम ऑफ 1960s के आसपास, द मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, इस टॉपिक में हम समझते हैं दैट यू कैन सी दिस इज अ मैप ऑफ अफ्रीका बिफोर 19th सेंचुरी से पहले अफ्रीका का मैप है। आपने क्या देखा, टर्किश, नीदरलैंड, फ्रांस, पोर्टुगीज, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम एंड दीज आर द मेजर कंट्रीज हु हैड कॉलोनाइज अफ्रीकन लैंड बिफोर 19th सेंचुरी। ओके, और ये सब जो आपको जो ये रीजन है, दीज ऑल आर द इंडिपेंडेंट अफ्रीका बिफोर 19th सेंचुरी। पर बाद में चल के especially by 1860s when all these people started going into Africa, there's a very important agreement was signed in the 1883. This agreement is known as a Berlin Agreement. इस Berlin Agreement के द्वारा the Chancellor of Germany, you know ना, Germany become a nation, Germany got united and become a united nation in the 1871. Okay, ये date था। इसके बाद 1883 में Berlin Conference के द्वारा एक agreement किया गया and this agreement is also known as a Bismarck agreement. So all the colonial power of Europe sat together in Berlin and they had verificated the boundaries of Africa. और उन्होंने अपने मर्जी से अपने purpose के लिए अफ्रीका के boundary को अपने part लिया। This is the boundary that is made by this colonial power. You can see this one. That here what do you find that these are the pink highlighted area which was under the control of especially Great Britain. इन सब जगह पे Great Britain रूल कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल घाना, नाइजेरिया, सूडान, केन्या, युगांडा, है ना, बुरुंडी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड बोस्टोनिया, दीज आर द प्लेसेज वेयर ब्रिटिश पीपल वर रूलिंग ओवर दीज रीजन्स। देन फ्रांस, आप देखेंगे ये जितने भी ब्लूइश ग्रीन हाईलाइटेड कलर है ना, ग्रीन हाईलाइटेड कलर, ये फ्रांस इस पर रूल कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल मोरक्को, अल्जीरिया, मोरिटेनिया,
माली, नाइजर, चांद, गाम्बिया, जियोना, देन गैबोन, दीज आर द प्लेसेस वेयर स्पेशली फ्रांस वॉज रूलिंग। उसके बाद पोर्टुगीज लोग अंगोला, मलावी, इन सब पे पोर्टुगीज रूल कर रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या, वही तीन प्रोसेस है, स्टीफन जेली का जो तीन प्रोसेस है उसको हम समझते हैं। उस प्रोसेस द्वारा यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, स्पेशली आफ्टर द 1920s एंड 30s, एंड देन स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वार टू व्हेन द यूएसए एंड यूएसएसआर बिकम वेरी पावरफुल एंड यूएन वाज देयर। दीज ऑल बॉडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर पावर प्लस यूएन, वाज टॉकिंग अबाउट द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस दैट द ऑल कॉलोनियल पावर शुड लिबरेट द कॉलोनीज। ये में बात करनी शुरू हुई। अब हम इस टॉपिक को समझते हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रीज दैट बिकम इंडिपेंडेंस स्पेशली आफ्टर दैट। सो यहाँ पे कई सारे देश ऐसे हैं जो इसके बाद इंडिपेंडेंस हो गए थे। इफ यू रिमेंबर, दीज आर द फ्यू पर्सन हु प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट इन अफ्रीका। नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका, डॉक्टर क्वामे नक्रुमा इन घाना, डॉक्टर नामदी अजिकेवे इन नाइजीरिया, डॉक्टर देन वी हैव द अमिलकर कैबरल इन जियोना बिसो। दीज पीपल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिबरेशन मूवमेंट ऑल ऑफ दिस कंट्रीज, और दीज आर द ईयर इन विच दिस अफ्रीकन कंट्री बिकम इंडिपेंडेंस। आप देख लीजिए, अल्जीरिया 1962, माले 1960, देन वी हैव मॉरिस्टेनिया 1960s, देन वी हैव नाइजीरिया 1960, है ना, देन वी हैव सूडान 1956, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1960s, जिम्बाब्वे 1979 एंड रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका 1933 में तो इंडिपेंडेंट हो गया था, पर अपार्थाइड सिस्टम एंड बाय 1994 ओनली। तो इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन पार्टिकुलरली द क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज ऑन द अपार्थाइड मूवमेंट। आप देखेंगे सी अफ्रीका बिकम द रिपब्लिकन नेशन, ओके, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली इन 1931, बट अफ्रीका में अभी भी ब्रिटिशर्स लोग छोड़ के गए नहीं थे, दे वर रिमेनिंग एंड मोस्ट ऑफ द पावर इन अफ्रीका वर लेड बाय ओनली दिस ब्रिटिशर्स ओनली। तो इस हम इस तो क्वेश्चन जो अपार्थाइड मूवमेंट है, अपार्थाइड इज अ टाइप ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड अपार्थाइड इज अ टाइप ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेशियल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ये डिस्क्रिमिनेशन 1940 से चलती आती है, और सारे गवर्नमेंट जो थे, ऑल द फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट वॉज कंट्रोल बाई ओनली द वाइट पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका। वाइट पॉपुलेशन कौन सा पॉपुलेशन है, ओनली दोज हु आर फ्रॉम यूरोपियन पावर, ये लोग रूल कर रहे थे। इवन द ब्लैक पीपल वर नॉट अलाउड टू वोट स्पेशली इन द नेशनल असेंबली। तो नेशनल गवर्नमेंट जब भी बनती थी, नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती थी, इलेक्शंस होते थे, इसमें द ब्लैक पॉपुलेशन एंड द अफ्रीकन पीपल वर नॉट अलाउड टू वोट। तो अपार्थाइड मूवमेंट था। अपार्थाइड मूवमेंट को सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, द लीडर हु लेड दिस मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड वाज नेल्सन मंडेला। ही वाज पुट इन द डिकेड फॉर 3 decades, है ना, 3 decade तक वो जेल में थे। बाद में चल के ही वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल, और बाद में चल के ही फॉट इलेक्शंस, ही बिकम द प्रेसिडेंट, एंड अपार्थाइड मूवमेंट हैड बीन इंडेड बाई दिस टाइम। इसको हमने यहाँ तक समझते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम डिटेल में समझते हैं। देर आर फ्यू क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल एग्जामिनेशन ऑन द अपार्थाइड ओनली। तो सबसे पहले अपार्थाइड को समझ लेते हैं क्या होता है। सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड का ओरिजिन कब हुआ। ये 1948 में हुआ व्हेन द नेशनल पार्टी केम टू पावर। इट हैज इंस्टीट्यूशनलाइज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द मेजोरिटी ऑफ द ब्लैक पॉपुलेशन बाय द माइनॉरिटी वाइट गवर्नमेंट। उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना, दिस वॉज फाउंड इन द 1912, इनिशियली सॉट टू चैलेंज दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू पीसफुल मूव्स। हाउएवर द ANC का एक्टिविटीज है इसको लिमिट कर दिया इन लोगों ने, दिस पीपल हैड लिमिटेड द एक्टिविटीज ऑफ द ANC। उसके बाद नेल्सन मंडेला केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द 1960 एंड ही इमर्ज एज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर हु चैलेंज द अपार्थाइड मूवमेंट, बट ही वॉज पुट इन जेल, इनको जेल में रख दिया गया, ठीक है। स्पेशली आफ्टर द सर्वेविले मास्केर इन द 1960 ही बिकम वेरी रेडिकल। पहले पीसफुल थे, बाद में जो है नेल्सन मंडेला बहुत रेडिकल हो जाते हैं एंड ही वॉज पुट इन द जेल। तो रेसिस्टेंस हुआ, इनको जेल में रखा, तो ही वॉज इन द जेल। लेटर ऑन देर वॉज अ इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर के अनुसार व्हाट हैपेन, द इकोनॉमिक सैंक्शंस वर पुट ऑन द अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीका में कौन रूल कर रहा है, वाइट पॉपुलेशन आर रूलिंग, सो देर इज इंटरनेशनल सैंक्शन, द इकोनॉमिक, पॉलिटिकली, डिप्लोमेसी, इन सब वजह से इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाया गया अफ्रीका पे। दैट लेड टू द डिस्कशन अबाउट द आइडिया
अगेंस्ट अपार्थाइड, अपार्थाइड के खिलाफ बहुत लोगों ने बात करना शुरू किया। देन इट वॉज द रिलीज ऑफ नेल्सन मंडेला एंड निगोसिएशन। सो वट हैपन इन द 1990 एंड द ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल प्रेशर अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका FW de Klerk अनबैनिंग ऑफ द एंटी अपार्थाइड ऑर्गेनाइजेशंस एंड द रिलीज ऑफ नेल्सन मंडेला आफ्टर 27 ईयर्स ही सर्व्ड इन द जेल। वो जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, इन 1994 नेल्सन मंडेला फाउट इलेक्शन एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ही इंडेड द अपार्थाइड मूवमेंट। अपार्थाइड मूवमेंट यहाँ पे खत्म होता है। सो बेसिकली डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस हैपन इन द अफ्रीका इज वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री इन अफ्रीका लाइक नाइजीरिया, घाना एंड सूडान एंड अदर कंट्री, क्योंकि दूसरे देश में आज़ादी तो मिल गई थी पर यहाँ पे सबसे पहले रिपब्लिक बन गया था बट इट कुड नॉट गेट इंडिपेंडेंस। अभी भी मोर देन 71% ऑफ द लैंड ऑफ अफ्रीका इज कंट्रोल्ड बाई वेरी फ्यू सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन अफ्रीका। ठीक है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं स्टूडेंट, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था ये, देखिए आप, व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ट्रीटेड नेटिव वेरी बैडली बाय डिनाइंग देम फंडामेंटल राइट्स एंड मेड अपार्थाइड एज ऑफिशियल पॉलिसी। हाउ आर द पीपल एबल टू इन अपार्थाइड पॉलिसी एंड एस्टैब्लिश अ ट्रांजिशनल रूल। इसमें हमें डिफाइन करना है कि किस तरह से ANC ने काम किया, नेल्सन मंडेला क्या काम किया, हाउ ही वॉज पुट इन जेल, वट वॉज इंटरनेशनल प्रेशर एंड हाउ ही वॉज रिलीज एंड देन हाउ ही फॉर द इलेक्शन ही बिकम द प्रेसिडेंट एंड दिस इंडेड द अपार्थाइड मूवमेंट इन अफ्रीका। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज द अपार्थाइड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ अफ्रीका, वट वर इट्स मेन फीचर। इसको हम थोड़ा समझते हैं अपार्थाइड मूवमेंट में फीचर क्या होता है, आई विल डिस्कस दिस पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। ये सवाल 2006 में पूछा गया था। देन देयर मस्ट बी एन एंड टू वाइट मोनोपोली ऑन द पॉलिटिकल पावर एंड अ फंडामेंटल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स टू इंश्योर दैट इनइक्वलिटीज ऑफ द अपार्थाइड आर एड्रेस्ड एंड आवर सोसाइटी थॉरली डेमोक्रेटाइज्ड डिस्कस। ये सवाल 2013 में पूछी गई है। सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन द टॉपिक ऑफ अपार्थाइड ऑन साउथ अफ्रीका लिबरेशन एंड लेट अस डिस्कस द फीचर्स। फीचर तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इनका फीचर्स क्या है। तो सबसे बड़ी फीचर होती है स्टूडेंट अपार्थाइड मूवमेंट का, उस फीचर को हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाई होम वाई द वाइट पॉपुलेशन अगेंस्ट कलर्ड पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ब्लैक पॉपुलेशंस। दूसरा था सेग्रेशन, अपार्थाइड लॉज सेग्रेटेड द अफ्रीकन पीपल, उनके लैंड कहाँ होगा, उनके स्कूल्स डिफरेंट होंगे, स्कूल्स हॉस्पिटल्स डिफरेंट होंगे, होटल्स रेस्टरूम्स डिफरेंट होंगे। सो इस अपार्थाइड सिस्टम में क्या था, सेग्रेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वाइट पॉपुलेशन के लिए दूसरा जमीन, दूसरी स्कूल, दूसरी हॉस्पिटल्स एंड ब्लैक पॉपुलेशन के लिए दूसरी चीज़ें। ठीक है, इसमें क्या था, ब्लैक पॉपुलेशन ज़्यादा थे, उनको रिसोर्सेज कम मिलते थे और वाइट वर इंजॉइंग ऑल द रिसोर्सेज। तो दूसरा पॉइंट है सेग्रेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पास लॉज, कोई भी अफ्रीकन ब्लैक पॉपुलेशन है ना, उसको एक आइडेंटिटी कार्ड कैरी करनी पड़ती थी, उसको हम पास लॉज बोलते हैं। जैसे आपको अभी आधार कार्ड, आई कार्ड वगैरह कैरी करना पड़ता है, आप ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ये सब वगैरह कैरी करना पड़ता है। इन द सेम वे दिस पीपल इज टू कैरी पास लॉज, कोई भी अफ्रीकन है उनको पास लॉज दिखाना पड़ेगा, नहीं तो दे विल बी अरेस्टेड। पास लॉज से क्या होता था, दिस ब्लैक पीपल कुड बी ट्रैक्ड, इनको अच्छे से ट्रैक किया जा सके, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, कोई मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं, पास लॉस था। दूसरा है लैंड एड्स, लैंड एड के तहत बहुत सारे अफ्रीकन लैंड को क्या किया, इन्होंने वाइट लैंड घोषित कर दिया। देन वी हैव द बंतुस्तान्स, दिस बांतू सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, द बांतू सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1959 वाज एस्टैब्लिश। इस रीजन में क्या किया, इन द बांतुस्तान्स रीजन्स अफ्रीकन्स वर गिवन सेपरेट प्रोवेंसेस वेयर दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, और वहाँ पे गवर्नमेंट चला सकते थे बट दे कैन नॉट कंटिन्यू टू बी ए पार्ट ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पे साउथ अफ्रीकन पीपल वर सपोज टू बी सेल्फ गवर्निंग, इन रियलिटी दीज एरियाज वर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द वाइट पॉपुलेशन, वाइट पे डिपेंडेंट, इकोनॉमिकली दे आर नॉट गुड एरिया। देन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती थी, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन था और सेंट्रल लेवल में पार्टिसिपेट नहीं करना था एंड सप्रेशन टू द अपोजिशन। सो दीज ऑल थिंग्स हैपन और नेल्सन मंडेला ने वास्तव में ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, ये हमारा टॉपिक था, हमारा जो आज का टॉपिक था वो था
व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे? टुडेज टॉपिक वाज डीकोलोनाइजेशन स्पेशली इन द साउथ अफ्रीका विद पार्टिकुलरली रिफरेंस टू साउथ अफ्रीका, हमने ये पढ़ा, ठीक है। उसके बाद घाना में भी हुआ, जो आप एक लोग देखना पीपीटी, घाना में वी हैव द क्वामे नक्रुमा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द घाना, घाना के मूवमेंट में ही इज अ वेरी सच पर्सन, ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस वन। नेक्स्ट है अल्जीरिया, अल्जीरिया में भी बहुत सारे वायलेंस था, यहाँ पे अहमद बेल्ला, अहमद बेन बेल्ला प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन द घाना, एंड घाना बिकम इंडिपेंडेंस इन द 1962 फ्रॉम दिस रीजन। ओके, तो ये हमारा मेन था, अल्जीरिया, घाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। इन द अनदर वीडियो आई विल मेक अ वीडियो ऑन साउथ ईस्ट एशिया, और एक वीडियो हम लैटिन अमेरिका में बनाएंगे, एंड एक वीडियो हमारा अरब नेशनलिज्म पे रहेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आई विल बी हैप्पीली एबल टू रिप्लाई टू योर कमेंट ऑन द यूट्यूब। ओके, वील सी यू इन द अदर वीडियो, थैंक यू सो मच।